प्रिया गुलाब जी, प्रिया जी क्या दिक्कत हुई आपको? हम कल ठीक थे 9 बजे तक रात को। उसके बाद हमने रात को स्वांग की रोटी बनाई, सबने खाई, चार पांच मेंबर्स ने खाई, पांचों मेंबर को वोमिटिंग, लूज मोशन सब शुरू हो गया। सारी रात परेशान रहे हम। उसके बाद अब थोड़ा सा सुबह सुबह उठे हैं, तब भी ठीक नहीं हुए कितने सारे। सदस्यों ने खाई थी रोटी? 5 मेंबर्स ने। तो मैम क्या हो रहा है बॉडी में, थोड़ा सा कैसे सिम्टम्स हैं, मतलब थोड़ा सा बताएंगी आप? कम कंपी हो रही है जी, मचला रहा पूरा, ठंडक ठंड सी लग रही है, उल्टी आ रही है और लूज मोशन भी लग रहे हैं। तो मैम हमेशा से व्रत रखते आए हैं लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है मैम? मैम वो आटा ही खराब दिया है जो इन्होंने दिया है, मेरे हस्बैंड लाए थे, पता नहीं कौन सी मेहता की दुकान से लाए हैं। मेहता जो पेपर मिल के पास है मैम? अभी मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, वो आएंगे वो बताएंगे, मेहता से ही लाए थे वो, कल ही लाए थे, पता नहीं वो ही खाया हमने तो उसी से बीमार हो गए हैं हम। मैम कौन सा आटा खाया था आपने? स्वांग का आटा खाया था। तो मैम आज छठा नवरात्रा है तो कल रात ही आपने 5वें नवरात्रे पर खाया? कल ही हमने चेंज करा, पहले आटा ठीक चल रहा था 3 दिन से, कल ही चेंज होके खाया तो सारे बीमार हो गए। तो मैम पहले भी उसी शॉप से ही आटा लेकर आए थे? नहीं किसी और से लाए थे। तो मैडम कितने घर के सदस्य हैं? अब तो हमारे मेरे भाई भाभी भी आए हैं अम्बाला से, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है उसको देखने के लिए आए थे, तो वो भी उनको भी खाना, उन्होंने भी व्रत रखा हुआ था, उन्होंने खाना खाया, वो भी बीमार पड़े हैं। उधर भाई हॉस्पिटल में ही है। कौन से हॉस्पिटल में? गाबा हॉस्पिटल में है, मम्मी को देखने आए थे वो वहीं पे बीमार है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? प्रिया दिलावरी। नमस्कार, मैं मनदीप कौर और आप देख रहे हैं यमुनानगर सिटी न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और इन दिनों का हर किसी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि 9 के 9 दिन माँ शेरों वाली हमारे घर में वास करती है। और इस बार के नवरात्रों में लोगों ने, जिन जिन लोगों ने व्रत रखा था और उन्होंने जब कुट्टू के आटे का या स्वांग के आटे का सेवन किया तो सब जो है बीमारी के शिकार हो गए। इस समय की सबसे पहले तो आपको मैं लोकेशन बता देना चाहती हूँ, जिला यमुनानगर के थापर ग्राउंड के पास जो थापर कॉलोनी है, वहीं से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रही हूं। इस समय मैं कॉलोनी के एक घर में खड़ी हूं, घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस घर में रहने वाले कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और 6 बड़े सदस्य हैं। 6 के 6 सदस्यों ने व्रत रखा हुआ था और व्रत के दिन कल रात को जब उन्होंने स्वांग के आटे का सेवन किया, जी हाँ, जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ध्यान से सुने, पहले कुट्टू के आटे की शिकायत आ रही थी और इस बार इन्होंने, ये फैमिली जो मेंबर हैं, इन्होंने स्वांग के आटे का सेवन किया और सेवन करने से आप देख सकते हैं कि सब के सब जो है बेसुध हैं, बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, कोई होश ही नहीं है। पारिवारिक सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे कि किस प्रकार के सिम्टम्स हैं, कैसा महसूस हो रहा है। आप देख सकते हैं एक महिला अपने ही घर के मेन एंट्री पर, जैसे ही बाहर लॉबी होती है, उस लॉबी में बेसुध पड़ी हुई है, होश ही नहीं है कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। लेकिन कल रात को ही इन्होंने आटे का सेवन किया था, स्वांग के आटे का, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में है, क्योंकि माता रानी के नवरात्रे रखे थे लेकिन नवरात्रों में इन लोगों को शायद उम्मीद भी नहीं थी कि इनके साथ ऐसा हो सकता है। एक बुजुर्ग माता जी की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये माता जी हैं जो शुरू से अपनी जिंदगी में हमेशा से ही माता रानी को मानती आई हैं और माता रानी को मानते मानते शुरू से इन्होंने जो है पूरे के पूरे 9 के 9 व्रत रखे हैं। इस बार भी माता जी ने 9 के 9 व्रत रखे थे लेकिन कल के व्रत में, कल रात को जब इन्होंने स्वांग के आटे का सेवन किया, आप देख सकते हैं माता जी के बॉडी के अंदर भी कंपन हो रही है, ठंड महसूस हो रही है। बातचीत के दौरान एक ही बात सामने आ रही है कि आज से पहले भी हमेशा इन्होंने व्रत रखे थे लेकिन कभी आटे में शिकायत नहीं आई, लेकिन इस बार के आटे में इतनी बुरी तरह से शिकायत आई है कि हर कोई जो है बेसुध पड़ा हुआ है। थापर कॉलोनी के एक घर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आटे का सेवन करने से बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो गाबा हॉस्पिटल में हैं, लेकिन जो एक और महिला है उनको भी दिखाने का अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करूंगी। आप देख सकते हैं एक और महिला है यहाँ पर जिन्होंने
आटे का सेवन किया था और किस तरह से बेसुध पड़ी हुई है, हालत ही नहीं है, हालत सही नहीं है, होश ही नहीं है। तस्वीरें लगातार आपको यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा से व्रत रखती आए हैं सब लोग, लेकिन इस बार आटा खाने से, आटे का सेवन करने से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी हालत इन लोगों की खराब हो चुकी है। पता ही नहीं ना किसी बीमारी के सारे परिवार के जो सदस्य हैं वो बीमारी के शिकार हो जाएंगे। तो लगातार तस्वीरें अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं हमारे चैनल पर, इस खबर को शेयर जरूर करें। प्रिया गुलाबी, प्रिया जी क्या दिक्कत हुई आपको? हम कल ठीक थे 9 बजे तक रात को, उसके बाद हमने रात को स्वांग की रोटी बनाई, सबने खाई, 4-5 मेंबर्स ने खाई, 5-6 मेंबर को वोमिटिंग, लूज मोशन सब शुरू हो गया, सारी रात परेशान रहे हम। उसके बाद अब थोड़ा सा सुबह उठे हैं तब भी ठीक नहीं हुए। कितने सदस्यों ने खाई थी रोटी? 5 मेंबर्स ने। तो मैम क्या हो रहा है बॉडी में, थोड़ा सा कैसे सिम्टम्स हैं, मतलब थोड़ा सा बताएंगी आप? कम कंपी हो रही है जी, मचला रहा पूरा, ठंड सी लग रही है, उल्टी आ रही है और लूज मोशन भी लग रहे हैं। तो मैम हमेशा से व्रत रखते आए हैं लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है मैम? मैम वो आटा ही खराब दिया है जो इन्होंने दिया है, मेरे हस्बैंड लाए थे, पता नहीं कौन सी मेहता की दुकान से लाए हैं, मेहता जो पेपर मिल के पास है मैम। अभी मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, वो आएंगे वो बताएंगे, मेहता से ही लाए थे वो, कल ही लाए थे, पता नहीं वो ही खाया हमने तो उसी से बीमार हो गए हैं। मैम कौन सा आटा खाया था आपने? स्वांग का आटा खाया था। तो मैम आज छठा नवरात्रा है तो कल रात ही आपने 5वें नवरात्रे पर खाया? कल ही हमने चेंज करा, पहले आटा ठीक चल रहा था 3 दिन से, कल ही चेंज होके खाया तो बीमार हो गए। तो मैम पहले भी उसी शॉप से ही आटा लेकर आए थे? नहीं किसी और से लाए थे। तो मैम कितने घर के सदस्य हैं? अब तो हमारे मेरे भाई भाभी भी आए हैं अम्बाला से, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है उसको देखने के लिए आए थे, तो वो भी, उनको भी खाना, उन्होंने भी व्रत रखा हुआ था, उन्होंने खाना खाया, वो भी बीमार पड़े हैं। उधर भाई हॉस्पिटल में ही है। कौन से हॉस्पिटल में? गाबा हॉस्पिटल में है, मम्मी को देखने आए थे वो वहीं पे बीमार है। क्या नाम आपका? क्या नाम है? प्रिया दिलावरी। तो आप देख सकते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं नवरात्रों का आटे का सेवन करने से किस तरह बेसुध पड़े हुए हैं, होश ही नहीं है। थापर ग्राउंड छोटी लाइन के पास एक परिवार के एक घर से आपको सीधी तस्वीरें आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक महिला है, कल रात को इन्होंने व्रत के आटे का सेवन किया था और व्रत का आटा आपको बता दें पहले तो कुट्टू के आटे में शिकायत आ रही थी लेकिन अब स्वांग के आटे में भी शिकायत आ रही है। घर के 8 सदस्य हैं जिसमें से 2 बच्चे हैं लेकिन 6 के 6 जो बड़े सदस्य हैं सभी ने स्वांग के आटे का सेवन किया था और आटा खाने से आप देख सकते हैं सेम वही सिम्टम्स आ रहे हैं जो न्यूज़ हमने पहले चलाई थी। आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर कंपन है, बेसुध पड़े हैं, बेहोशी की हालत में है, वॉमिट आ रही है और साथ ही साथ पूरे के पूरे बॉडी के अंदर जो है वाइब्रेशन हो रही है। तस्वीरें लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कमलेश राणे। क्या हुआ आपकी तबीयत कैसे खराब हुई? बर्तन आटा खाना है। आपने सारे नवरात्रे रखे हुए हैं? हाँ जी। किस चीज का आटा खाया था आपने? स्वांग का। कब खाया था? पहला कुछ नहीं हुआ, कल सारे बीमार रहे। कौन कौन से सदस्य बीमार हैं घर के? हाँ जी मेरा बेटा है, पहला बड़े नू हुआ फिर ओदे तो दवाई लिया तो आराम है गया, रात पहला मैनू होया रोटी होया उरनू होया, फिर वो छोटा मुंडा भी रात पहला तो उल्टियाँ ही साफ करता था, सगो मैं तो सीन थी मेरे कपड़े के उपर ही। तो माता जी आटा खाने से हो क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है? चक्कर जाना जनो अखा तो नज़र भी नहीं आता, इदा का गया था राती का। तकलीफ क्या शरीर में, क्या तकलीफ महसूस हो रही है? बस हूँ तो कुछ नहीं जी, कच्चा जो रहा। अरे भी माता जी क्या हुआ है आपको? बस उल्टियाँ आ रहा, चक्कर, कम वजह छेड़ रहा। तो ये जो आप बोल रहे हैं आपको उल्टियाँ चक्कर या जो बॉडी में कंपन आ रही है किस कारण आ रही है, क्या खाया था? आटा स्वांग का खाया है। स्वांग का आटा खाया था। व्रत रखे हुए हैं आपने? हाँ। किससे, मतलब सारे व्रत रखे हैं? हाँ। तो आज से पहले कभी ऐसा हुआ आटा खाने से? कल ही हुआ। कल ही हुआ।
तो कल मतलब आटा खाने से ऐसा हुआ है, तो कल से पहले भी तो आटा खा रहे होंगे आप? पहला भी यही अट्टा खाने हाँ, तब कोई शिकायत नहीं आई? जतिन जी क्या हुआ, तबीयत कैसे खराब हुई आपकी? रात को बस वही रोटी खाई जो सुहांग वाले आटे की, उसके बाद रात को 2-3 घंटे बाद उल्टियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई। और क्या क्या हुआ बॉडी के अंदर, क्या क्या बॉडी सिम्टम्स थे? बिल्कुल पूरे चक्कर आने शुरू हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 3-4 बार वॉमिटिंग हुई और फिर मैं बेहोश सा हो गया था एकदम। कहीं ना कहीं अभी भी आवाज़ में दिक्कत आ रही है। आवाज़ बंद है। तो सर कहाँ से आए हैं आप? अम्बाला से। अम्बाला से आए हैं, कितने लोग आए हैं सर अम्बाला से? मेरे भाई मिसिज और मेरी मदर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल। कितने लोगों ने अटक खाए थे और कितने लोग बीमार हैं? अभी तो मेरा मेरी वाइफ ने, मेरे ब्रदर इन लॉ उनकी वाइफ ने और उनकी मदर ने खाया था। सर क्या लगता है, आवाज़ भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है आपकी आटे की वजह से? बैठ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो बताया जा रहा है सर घर में बच्चे भी हैं पर बच्चों ने वो प्रसाद नहीं लिया। तस्वीरें आपको दिखाई हैं जिला यमुनानगर के थापर ग्राउंड के पास, जो थापर कॉलोनी। आप देख सकते हैं कि एक परिवार के 8 फैमिली मेंबर हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं, सभी ने आटे का सेवन किया था। जी हां, स्वांग के आटे का सेवन किया था और स्वांग के आटे का सेवन करने से सभी के सभी बेसुध पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो अम्बाला से आए हैं, उनकी तो आवाज़ में भी कंपन आ रही है, लड़खड़ा रहे हैं, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तस्वीरें लगातार आपको दिखाने का प्रयास, चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार माता रानी के पावन दिनों में, पावन अवसर पर किस तरह से जिला वासियों ने, जिनों जिनों ने माता रानी के व्रत रखे थे, इस आटे का सेवन किया था, हर कोई इस बीमारी का शिकार हो रहा है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अपील है, जो जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। और जिन्होंने व्रत रखे हैं, जैसा कि एक दो व्रत रह गए हैं, तो उसमें आप फलाहार भोजन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी जागरूक होना होगा। जो आज इस फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हुआ है, कल को आप लोगों के साथ ना हो, तो उसके लिए सावधानी बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कर की रिपोर्ट।